माननीय राकेश सिन्हा जी, 5 मिनट। उपसभापति महोदय, आज जिस संकट से हम गुजर रहे हैं और ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप की जरूरत पड़ती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लिया, वह इसी बात से जाहिर होता है कि आज सदन में एमपीज और मिनिस्टर के जो सैलरी में कटौती हुई है उस पर एक सहमति है। भारतीय लोकतंत्र अपने वैशिष्ट्य के साथ पूरी दुनिया में आज खड़ी है। 1930 में अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह बिल आया था कटौती का, तो वहां वोटिंग हुई, 373 सदस्यों ने इसका समर्थन किया तो 19 सदस्यों ने उसका विरोध किया था। आज भारत में सदन एक मत से नरेंद्र मोदी जी के इस कदम का समर्थन कर रहा है, लेकिन मुझे दुख है कि समर्थन करते हुए कुछ सूक्ष्म मुद्दे उठाकर जिस प्रकार से भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है उस पर मैं 2-3 टिप्पणियां करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, भारत में जो विपक्ष की भूमिका है उसे मैं फ्रैंकेस्टाइन दृष्टि मानता हूं, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। मैंने विपक्ष से एक ही बात सीखा है और एक ही सूत्र सीखा है, यदि जीवन में विफल होना है हर चीज का हर समय विरोध करना चाहिए। विपक्ष आज भी वही कर रही है। जहां वे बिल का समर्थन कर रहे हैं वहां ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। गोर्की का नाम हम सब ने सुना है। गोर्की ने 20 अप्रैल 1998 को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में गोर्की ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मुझ में कुछ लोग उल्लेखनीय देखते हैं, मुझे खुशी है कि और मुझे इस बात की खुशी भी होती है, आकर्षित भी करता है और यह बात उत्प्रेरित भी करता है कि मैं अपने प्रति, अपने आप के प्रति कठोर और यथावत बना रहूं। आज नरेंद्र मोदी जी ने यही संदेश दिया है, जब देश में ऐसी कठिनाई का दौर है हम अपने प्रति कठोरता और यथावत बने रहें। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष इसमें उठता है कि हम जिस संसदीय जनतंत्र के हिस्से हैं, विपक्ष यह मानता है कि यह एक मॉरल गुडविल का मैसेज है। नरेंद्र मोदी जी से मॉरल गुडविल से कहीं आगे देखते हैं, वो क्या देखते हैं मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं। हम जिस परंपरा के हैं उस परंपरा में मैक्स वेबर का वो सिद्धांत कि पॉलिटिक्स इज ए वोकेशन, राजनीति के व्यवसाय है, वह नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं, उनकी सरकार नहीं मानती है। यह मानती है कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है और सेवा करते समय जिस सेवा का माध्यम को उन्होंने बताया उसमें हम अपनी सैलरी, अपनी सुख सुविधाओं का महत्व नहीं देते हैं। इसका 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जिस आज चैंबर में हम बैठे हुए हैं, जिस हॉल में बैठे हुए हैं, जिस संविधान निर्माता के कारण आज संसदीय जनतंत्र इस तीव्रता के साथ आज देश में चल रहा है, बाबा साहब अंबेडकर ने का एक जीवनी श्री खरात जी ने लिखा था, शंकर राव खरात जी ने जो एक बात कही कि जब बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र राजरत्न की मृत्यु हुई, राजरत्न की मृत्यु हुई तो बाबा साहब अंबेडकर के पास राजरत्न के लिए कफन के पैसे नहीं थे और उनकी पत्नी ने अपनी सारी दे दिया था। आज जिस हम राजनीति के हिस्से हैं, बस एक सेकंड में समाप्त करता हूं। जिस प्रकार से आज लेफ्ट डेमोक्रेसी और लेफ्ट टू द सेंटर की बात कांग्रेस पार्टी एवं अन्य पार्टियां कर रही हैं, उनको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत, कंक्लूड करिए, बंद करिए प्लीज माननीय मंत्री।